पापा को मैं बचा नहीं पाया बेटा। पापा कल आएंगे ना मामा जी? पापा हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे यहाँ। सत्या, आचार्य जी बुला रहे हैं। हाँ। सर, एट इज सर, रघुवीर का बेटा गोपी मेरा भांजा है। अब उसका कोई नहीं। जब वो छोटा था उसकी माँ की मौत हो गई। उसका मेरे सिवाय और कोई नहीं है सर। पता चला है अल मुजाहिदीन को त्रिनेत्र की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है। मसूरी हेड ऑफिस को यह खबर मिली। तहकीकात करने के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां जंगल में अल मुजाहिदीन को त्रिनेत्र के बारे में क्या पता चला? सब कुछ पता चल गया है सर। त्रिनेत्र में जो भी इन्वॉल्व हैं उन सबके नाम, उनके एड्रेसेस, हमारे अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट, उनकी फैमिली डिटेल्स। इट्स अ कंप्लीट ब्रीच। क्या हुआ? हेलो शेडॉन, शेडॉन मामा जी। बताता हूँ मामा जी, मेरा टेडी बेयर। चल 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 चल, बैठ जा। मामा जी, पापा कल आएंगे ना? मेरे पापा कल आएंगे ना मामा जी? कभी भी अगर कुछ हो जाए तो हमें यही आना है। एक तुलसी का पौधा देंगे? हे राजू, तुलसी लेकर आओ। राम जी, सिर्फ इनका ही भरोसा करना। अब हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। यही हमारा सेफ हाउस है। पापा, पापा। गोपी, गोपी क्या हुआ? पापा की याद आ रही है। कल मेरे बर्थडे पर पापा नहीं होंगे ना मामा जी? गोपी मेरी बात सुनो, अब से तुम्हारा बर्थडे अगस्त 19 नहीं, जून 12 है। जून 12 तुम्हारे लिए नया बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूं। तुम्हारे पापा का नाम रघु नहीं, तुम अब गोपी नहीं हो। तुम्हारा जन्म दिल्ली में नहीं हुआ है, गोपी अब नहीं है। याद रख लो, तुम्हारे पापा का नाम रघुवीर नहीं है, ना तुम्हारा नाम गोपी है। जाओ गोपी, गोपी।
वो तुम्हारे डैड हैं क्या? हाँ। बच्चों, आज ही हमारी क्लास में नया ज्वाइन हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज अर्जुन। सर, तेलुगु हिंदी इंग्लिश क्लास फाइट्स। थैंक यू सर। आज कौन सी जॉब रिजेक्ट की? इंफोसिस। अच्छा सुनो, पूछे बिना नहीं रहा जा रहा है, तुम्हें आखिर कौन सी जॉब चाहिए? तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आई लव माई कंट्री। क्या तुम्हारी फैमिली में कभी किसी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है? No. Hey, कैसा है? डैड, पता है 2017 में फोन बूथ मिलना कितना मुश्किल है? पता है सेलफोन को ट्रेस करना कितना आसान है? तो फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, ट्रेस नहीं करेंगे। hey, चुप रहे। वैसे इंफोसिस का क्या हुआ? रिजेक्टेड। उन्होंने या तुमने? राजू, तुमने ये सातवां जॉब रिजेक्ट किया है। आप जानते हैं मुझे कौन सा जॉब चाहिए। पापा जैसा बनना गलत है क्या? जो पापा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, मेरा ये सोचना गलत है। पापा, पापा को मैं बचा नहीं पाया बेटा। तूने अब तक 174 एप्लीकेशंस दिए हैं, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। बस एक और एप्लीकेशन। क्या तुम्हारी फैमिली में किसी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है? पापा जैसा बनना है तो क्या करना होगा? हैप्पी बर्थडे पापा। मैं डैड को मामा जी से हमेशा पूछता था कि वो आपके बारे में बताएं। आप दुनिया में नहीं है लेकिन यहां है। क्या करूं? डैड कहते थे आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। मैं भी वैसा ही हूं लेकिन मैं बस रॉन्ग टाइम पर जोक क्रैक करता हूं। पहले आर्मी और फिर रॉ ज्वाइन करके देश की सेवा करनी थी। बचपन से आप ही की तरह बनना चाहता था मैं। 19 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करनी थी तो डैड ने डांट दिया। वो नहीं माने, अब भी नहीं मान रहे। इसीलिए डैड को बताए बिना कई ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पापा। आप जैसा बनना है पापा लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। एक एप्लीकेशन पापा, जस्ट वन चांस। हेलो। क्या यार, क्या कर रहा है? अरे मूवी देख रहा था यार। आज मेरा बर्थडे, पार्टी दे रहा हूं, आ जा। अच्छा,
कहाँ पर? Thanks for coming यार. You guys carry on, मैं आता. क्या हुआ यार? अरे बस अभी आया. अरे बता तो क्या चाहिए? दो मिनट यार. अरे सुन, मैं मंगाता. आज देखते हैं वो कैसे मना करती है. वो नीचे वाली फ्लोर में है, ऑफिस से निकलने वाली है. इस बार अगर उसने मना किया ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको. लेके जाओ. जैसा बन रहा है. क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? मेरे पापा मेरी ताकत है. देश के लिए ज्वाइन करना है. CBI, NII, IB, फॉरेन अफेयर्स, 174 एप्लीकेशंस, किसी को नहीं छोड़ा. एक अनजान लड़की की मदद करोगे या नहीं, ये तुम्हारा एक मोमेंटरी टेस्ट था. सत्या के बारे में बताओगे या नहीं, ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट था. दोनों पास कर गए तुम. यू हैव ऑल द क्वालिटीज, लेकिन यू लैक वन थिंग, टेक्निक. लोकेशन कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे फोन पर भेजे हैं. टुमारो 10 AM शॉप. हेलो हेलो. अरे सुनिए, आपने नाम नहीं बताया. आप सब हैं कौन? हेलो हेलो. हैप्पी बर्थडे पापा. यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन. ये टेलर मैन क्या है? एक्सक्यूज मी. हेलो सर, ये बहुत अच्छा मटेरियल है. एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस. ऑल्ट्रेशन रूम में जाओ. एक्सक्यूज मी, हाय. नाम क्या है? अर्जुन, अर्जुन कुमार. पूछते ही बता दिया. आप ही ने पूछा तो मैं बोलूंगा तो छत से कूद जाओगे क्या? बच्चों को रिक्रूट करेंगे तो ऐसा ही होगा. खड़े हो जाओ. ओके. हो गया. यहां पर खड़े हो.
ठीक से खड़े हो स्टैंड डायरेक्ट सीधा खड़े हो जाओ इसे मेरा नाम आधार कार्ड के कैमरे में देखा है ना कूल वेरी कूल चलो नाइस इस तरफ ये क्या है चुम्मा चाहिए क्या ब्लडी फूल चले आते हैं स्पीड अप गॉड डैमन इट चलो श्याम वॉइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड इसकी तो श्याम वॉइस रिकॉग्नाइज्ड कोड एक्सेप्टेड कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगती है बॉन्ड जितना बजट नहीं है प्रोसीडिंग टू लेवल बेटा कितना नीचे जाना है जितना बोरवेल से पानी निकल सकता है वहां देखो तुम्हें क्या करना है बैंड अप बैकग्राउंड चेक में तो नहीं था अभी आया शे ये सब टेलरमैन दुकान के नीचे है यकीन नहीं हो रहा टेलरमैन ही इसके ऊपर है भरोसा करना पड़ेगा असली नेशनल सिक्योरिटी यही है हाय सर हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू सर थैंक यू एंड सेम टू यू ओके ऑफिस में बैठो पिसिंग माय बट गोक्स गोक्स गोक राजू बोलकर टॉप 10 में रहता था बॉस की बीवी को छेड़ा था फिर यहाँ आ गया तुम आई एम द बॉस दिस इज अ फर्स्ट ओरिएंटेशन तो कुछ कहने से पहले यू आर लेट लिफ्ट थोड़ी स्लो थी Is there anything funny? Sorry, sir. अगले 20 मिनट में तुम में से कोई भी मर सकता है और अगर 20 साल जी गए तो शायद तुम किस्मत वाले होंगे डिटेल्स बताने से पहले फाइल में कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन कर दो यहाँ के सीक्रेट्स यहीं रहेंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है मरने के लिए तैयार हो यह सोचकर साइन करना इंडिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला रॉ है अंदर से प्रोटेक्ट करने वाला आईबी पुलिस बॉर्डर पर आर्मी एयरफोर्स नेवी इन सब को कोऑर्डिनेट करने वाला एक ही है त्रिनेत्रा साउथ इंडिया में पिछले साल आए 40,000 रॉ एप्लीकेशंस में से 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है उसमें से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को त्रिनेत्रा के लिए सेलेक्ट किया है सो व्हाट इज त्रिनेत्रा रॉ इंडिया में फंक्शन नहीं होता आईबी इंडिया से बाहर नहीं जा सकता त्रिनेत्रा कहीं भी जा सकता है वी कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज नोबडी नोज वी एग्जिस्ट कोई नहीं जानता कि हम हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है वी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हमारा काम इन्फिल्ट्रेट दुश्मनों से हाथ मिलाना इन्वेस्टिगेट उनके रहस्य जानना एंड इन्फॉर्म द HQ द 3 Eyes त्रिनेत्रा 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद त्रिनेत्रा शुरू हुआ था लेकिन 1995 में हुए सबसे बड़े डेटा ब्रीच में एजेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हमारे बेस्ट ऑफिसर को मार दिया गया उसके बाद से त्रिनेत्रा नहीं है 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर को समझ में आया कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे बीच भी हैं तो दोबारा त्रिनेत्रा की जरूरत महसूस हुई कल तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही हमारे बेसिस थे और अब हैदराबाद भी हमारा बेस बन गया है और कुछ मतलब सर इतनी सीक्रेट लोकेशन में इतने सीक्रेट्स ओपनली बता रहे हैं अगर कोई बाहर बता देगा तो 2 साल पहले तुमने पहली बार रॉ की एप्लीकेशन भेजी थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जेनिफर हा? 2 महीने पहले तुमने इस बात की परवाह नहीं की इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया 2 दिन पहले तुम एक नाइट क्लब में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे उस लड़की ने तुम्हें भाव नहीं दिया तुम्हें बुरा लगा तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया 2 मिनट पहले लिफ्ट में शाम ने तुमसे मजाक किया कि बोरवेल यहां तक आ सकती है और तब तुमने उसे गाली दी तुम्हारे जोक्स और हंसी के पीछे एक सीरियस इंटेलेक्ट है तुम्हारा ह्यूमर तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये सब तुमने एप्लीकेशन में नहीं बताया बट वी नो त्रिनेत्रा इज ऑलवेज वॉचिंग अर्जुन
हमेशा नजर बनी रहती है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो इसके आगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम्हें तीन चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर वॉरफेयर, दुनिया में जिस भी डिवाइस में माइक्रोचिप है उसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्बैट एंड टैक्टिकल वेपन लाइक गन्स, बॉम्ब्स एटसेट्रा। मार्शल आर्ट्स एंड फाइनली कॉवेट ऑप्स, अंडरकवर ऑपरेशंस। कहां सर? इंसानों के बीच। कई लोगों के बीच मौजूद रहकर भी हमारी पहचान छुपाना ही हमारी ताकत है। ट्रेनिंग में तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट करेंगे। कोई वीकनेस ना हो तो? That is, I'm your combat trainer. Krav Maga is a martial art. It is an Israeli defense technique. Excuse me. उस दिन आपने नाम नहीं बताया। First lesson, guys. हमारा अटैक हमेशा दुश्मन को सरप्राइज लगना चाहिए। तभी हमारे पंच में किक होगा। नादिया. Nadia Qureshi. Let's warm up. 1, 2, 3, 4. Good. Next. In Arabic, right from okay, right to it. Left. अगर lie detector को cheat करना है, तो posture सही रखना चाहिए. No perspiration. Computers. गुंधा हुआ आटा. गुंधा हुआ आटा? गुंधा हुआ आटा का मतलब चपाती बिल्कुल नहीं होती. Strength होती है. Breathing should be relaxed. Blood pressure, pulse, normal. Class server firewall को hack करने के लिए. तुम्हारे पास एग्जैक्टली 10 मिनट्स हैं। हार्ट रेट बदलनी नहीं चाहिए। गो 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 गो। तुम त्रिनेत्रा में काम करते हो? नहीं। ए मोहम्मद, पता है कैसे करते हैं? डांसर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। गुड, फिनिश कर दिया। अर्जुन, डिबग करो, बग नहीं। वो अच्छा लगता है क्या? उसका फ्यूचर अच्छा है। अच्छा नहीं लगता? नो अर्जुन, लेट्स स्टिक टू द सब्जेक्ट। सॉरी सर। समझो कि ये सब एक क्लॉक है। पहले डायरेक्शंस का पता कर लो। मेरे पीछे 12 o'clock, तुम्हारे पीछे 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock। तो बताओ क्या देखा? मेरे राइट में दो दाढ़ी वाले इंसान हैं, पीछे दो लड़कियां चूड़ीदार में हैं। वहां लेफ्ट में एक आदमी लेदर जैकेट पहनकर बैठा है। गुड, इनमें से कोई भी टेररिस्ट हो सकता है। सोचो, इतनी गर्मी में लेदर जैकेट पहनकर उर्दू पेपर लेफ्ट राइट पढ़ रहा है, लेकिन क्यों? रिमेंबर द 3 आईज। फर्स्ट इन्फिल्ट्रेट, इनसे मिल जाओ। सेकंड इन्वेस्टिगेट, पता करो। एंड थर्ड इन्फॉर्म, आपको बताना है। सॉरी। आप बिल्डिंग में नहीं है? मैं कुछ हेल्प कर दूं?
थैंक यू सो मच। आपका नाम? अर्जुन, सामने वाला फ्लैट। ओके, समीरा, ये फ्लैट। कॉफी? या, श्योर। यस। नाइस। तुम्हारा घर और मेरा घर एक ही जैसा है, बस मेरा घर थोड़ा सा। ब्लैक कॉफी चलेगी ना? हाँ, या श्योर। कैसी लगी? अच्छी है। तुम भी? What? अच्छे हो। जब कॉफी बना रही थी तब मुझे देख रहे थे ना, तुम जो सोच रहे थे मैंने वो कह दिया, यही डिफरेंस है। इट्स ओके, पहचान बढ़ेगी तो आदत हो जाएगी। क्या सोचा और क्या कह दिया, क्या होगा ये भी बता दिया, और कुछ? वो नहीं आता है, ये आता है। MS Psychology, Harvard. पैदा कोलकाता में हुई, जुलाई 29th, जोडियक साइन लियो, फली हूँ वाइजैक में, हार्वर्ड में MS किया है, हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड यू, व्हाट डू यू डू? अनजान लड़कियों से बात करने के अलावा। टेलर मैन। हाँ। तुम्हें कपड़ों का पागलपन कब से होने लगा? डैड, आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। जॉब क्या है? फ्लोर मैनेजर। मतलब? मतलब अगर फ्लोर पर कुछ गिरे तो उठाने का ऑर्डर देता हूँ, प्लस अकाउंट्स, इन्वेंटरी, बहुत कुछ है। अच्छा, कार में बैठो। हम राज मंडरी जा रहे हैं। What? क्या हुआ? तुम्हें लगता मैं नहीं जानता? मैंने त्रिनेत्र छोड़ा है, त्रिनेत्र के दोस्तों को नहीं। I didn't want this for you. But dad, this is what I want. Then change what you want. मर जाएगा तू, like your father. मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। लेकिन कब तक? कोई देख ना ले इसीलिए ऐसे बाहर मिलना, फोन ट्रेस ना हो इसीलिए पब्लिक फोन से फोन करना। मैं नहीं बता सकता। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाए तो देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, दैट्स इट। देश के लिए डैड। डैड, शायद अब आप वो फीलिंग भूल गए होंगे, लेकिन आप जानते हैं मुझे हमेशा से यही करना था, जाना होगा। छुपने के लिए अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं। कल सुबह आप ही के दोस्तों के साथ ट्रेनिंग है। बाय राजू। बिन लादेन इसीलिए सक्सेसफुल है, वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिन लादेन सबको दिखने वाला टेररिस्ट है, राणा किसी को नहीं दिखने वाला टेररिस्ट है। एक्सट्रीमली डेंजरस, कहां रहता है पता नहीं, कैसा दिखता है पता नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही शॉकिंग है। बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिस्ट बनाना इसकी स्पेशलिटी है। इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, वाराणसी टेंपल ब्लास्ट इसी ने करवाया, हेडली को ताज अटैक्स में लॉजिस्टिक सपोर्ट्स इसी ने दिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अल मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, ब्रूटल, क्रूअल, क्विक। अल मुजाहिदीन इसकी लीडरशिप में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। रघुवीर को अल मुजाहिदीन ने मार दिया सर। हाय। हाय। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तुम्हें कैसे पता? ISB में MBA किया है, जोडियक साइन जेमिनी, बर्थडे जून 12th। तुम्हारे प्रोफाइल में इतना ही लिखा है, बाकी तुम्हें बताना होगा। वेल, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं आए हैं? नहीं, आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडे। इस साल से कर लेंगे, मैं रहूंगी ना। Busy with patient. So, Mr. Kumar. Hi, I'm Kumar. मैं पागल हो गया हूँ। कैसे? मेरी ब्यूटीफुल नेबर को मिस कर रहा हूँ।
never met somebody like you. Very nice coming up, sir. Good. वो अभी second position पे है. Our first place. Done, ma'am. 7.5 seconds. Next. Ma'am. Done, ma'am. Bullet drop. 9.3 seconds. Next. Good, Mohammed. 85% accuracy. Thanks, ma'am. applications देना काफी नहीं है, परफॉर्म करना पड़ता है. तुम रघुवीर के ही बेटे हो ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस से तो ऐसा नहीं लग रहा. क्या हुआ? हे, अभी के लिए मैं टेलरमैन कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन बचपन से ही मेरा पापा की कंपनी ज्वाइन करने का सपना रहा है. यू मीन डैड राजमंद्री में रहते हैं? या डैड, उनकी कंपनी की ट्रेनिंग को मैं लाइटली ले रहा हूँ. सवाल यह है कि क्या मैं उसके लायक भी हूँ. ये सवाल उनके लिए है या तुम्हारे लिए अर्जुन? ओके, तुम्हारा गोल क्या है? उस कंपनी को ज्वाइन करना. I'll tell you something. बचपन से ही हार्वर्ड जाने का सपना था मेरा. बहुत मेहनत की. I got the admission. I was so happy. थर्ड ईयर में डीन का लेटर आया था. ग्रेड्स काफी नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, कॉलेज से निकाल देंगे. मुझे लगा मेरा सपना मैं खुद सीरियसली नहीं ले रही. तब रियलाइज हुआ मेरा सपना हार्वर्ड में ज्वाइन होना नहीं, हार्वर्ड डिग्री के साथ ग्रेजुएट होना था. अब बताओ तुम्हारा क्या गोल है? तुम्हारे पापा की कंपनी में ज्वाइन होना ही है ना? Hi guys. तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारे पापा की कंपनी में ज्वाइन होना ही है ना? पापा की तरह देश की रक्षा करना. Hey, बलून शूट करें? Yeah, sure. तो क्या देखा? वहां नीचे 9 o'clock दो लोग हैं. मेरे राइट साइड 3 o'clock एक आदमी बैग प्लांट करके गया है. नेक्स्ट. पान के ठेले के पास और जनरल स्टोर के पास. आपके पीछे 8 o'clock किसी की फोटो ले रहा है. सेल्फी तो नहीं ले रहा, सामने कोई नहीं है. मतलब बिल्डिंग की फोटो ले रहा है. गुड सर. एक मिनट, पहले हम दोनों बैग के साथ आए थे लेकिन आपने अपनी बैग छोड़ दी. मतलब आप भी 100%. कैसे? अब काउंटर स्ट्राइक. क्या? अब वीडियो गेम. डन सर. वेरी गुड. अब हेलो समीरा, तुम टेलरमैन में ही काम करते हो ना? मैं यही हूँ, तुम कहाँ हो? ऑल्टरेशन रूम में हूँ. कहाँ हो? सर अभी आता हूँ सर. तुम ऑलरेडी यहीं पर हो? तो जाकर आता हूँ. ए लड़कियाँ सभी को दौड़ा दी. ऑल्टरेशन रूम दिखा नहीं दे रहा, कहाँ हो? आ रहा, आ रहा. इतनी मेहनत किसके लिए हो रही है? कौन है अंदर? ये तुम्हारे डैड है क्या? हेलो अंकल. हेलो, कैसे हैं आप? कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, आइए दिखाता हूँ. क्या कहा उन्होंने? कहा अपने फ्रेंड से मिलवा दो. हे, मैं कैसा लगा? आई डोंट नो. अर्जुन, आई थिंक ही लाइक्स यू. तुम क्या लोगे? आ रहा हूं, आ रहा हूं. लो पहुंच गए. जाती हूं. जाती हूं नहीं, फिर मिलेंगे. ठीक है, बाय. मेरे फ्लैट में जा रही हो? हे, चीटर. आचार्य जी ने गाइडलाइंस भेजी हैं प्रोपगेटिंग सिस्टम सर.
अर्जुन एंड मोहम्मद आर लीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि इस बार नंबर किसे देंगे। इतना ही दम है, दुश्मनों को क्या मारेगा, तू भी अपने पापा की तरह ही मरेगा। अर्जुन, आर यू ओके? क्या अल मुजाहिदीन ने तुम्हारे पापा को मारा था? नो। सॉरी सर, पता नहीं उसे मेरे पापा के बारे में कैसे पता चला। मैंने ही बताया था। आई वॉन्टेड टू टेस्ट यू। 174 एप्लीकेशंस में से तुम्हारे पापा के बारे में छिपाए गए मैटर को 175th एप्लीकेशन में बता दिया गया। इसका मतलब वो तुम्हारी वीकनेस है, जिसे तुम हिम्मत करो वो तुम्हारी कमजोरी है। पापा नाम की कमजोरी को पार कर पाओगे तभी देश बचा पाओगे। के त्रिनेत्र ऑफिसर मतलब तुम्हारे पापा को बेरहमी से मारकर तुम्हें अनाथ बना दिया। मेरे पापा त्रिनेत्र ऑफिसर नहीं है, बैंक ऑफिसर है। अर्जुन, that was crazy. मैं खुद आकर मोहम्मद को मारने वाली थी, पता है? Thanks. अर्जुन, dinner? तुम, मैं और मोहम्मद एक मिशन पर हैं। मुझे एक टेररिस्ट ने पकड़ लिया है, मोहम्मद को भी। मुझे बचाओगी तो मैं बच जाऊंगा, मोहम्मद को बचाओगी तो मिशन बचेगा। किसे बचाओगी तुम? सेल्फिश होकर सोचूं तो तुम्हें, मेरे लिए तुम जरूरी हो। मिशन जरूरी है लीना, मोहम्मद को बचाना चाहिए। और मेरी फीलिंग्स? कंट्री फर्स्ट लीना, रिमेंबर दैट। प्रैक्टिकली पेट्रियोटिक। सर, आपने बुलाया? ये लो, समीरा की फाइल। समीरा फाइल मतलब? अच्छा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड टेलरमैन में आएगी और हमें पता नहीं चलेगा? खुद को स्मार्ट समझते हो? वो पार्टी टाइप नहीं है, बॉयफ्रेंड्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, पूरा ड्रामा है। पेरेंट्स नहीं है? डेथ सर्टिफिकेट? ये तुम्हारे डैड है? कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे। फाइल कहाँ ले जा रहे हो?
उस दिन कौन आया था? What? उस दिन तुम्हारे साथ कौन आया था? पेशेंट है, ये सही वक्त नहीं है अर्जुन। तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना सही है क्या? मेरे पापा नहीं थे, तो मेरे चाचा से मिले थे। 10 years back मॉम डैड की यार्डा के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक ही पल में मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई। सबने मुझे कृष्णा चाचू की बेटी समझा, तुमने भी समझा, तो मैंने समझने दिया। आई एम रियली सॉरी आई हिड समथिंग फ्रॉम यू, पर मैं तुमसे सिंपैथी नहीं चाहती। अंदर से पेरेंट्स को मिस करते हुए बाहर से दुनिया को हंसते हुए नजर आना पता है कितना मुश्किल है। अर्जुन, अर्जुन। हेलो समीरा मैम। यस। लॉकर 135 का नेम एडिशन रिक्वेस्ट आया है मैम। बैंक लॉकर? रॉन्ग नंबर है। समीरा राव, फ्लैट नंबर 1306, गार्डन लिंक अपार्टमेंट्स। यस। समीरा जी, दिस वे मैम, 135। थैंक यू मैम। थैंक्स। ये क्या है? समीरा। सॉरी समीरा, मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया है। दुनिया मुझे अर्जुन के नाम से जानती है, पर वो एक झूठ है। मेरी भी एक सच्चाई है और वो ये लॉकर है। इसीलिए लॉकर गोपी के नाम से है, क्योंकि दुनिया गोपी को नहीं जानती। समीरा, मेरा बर्थडे जून 12th को नहीं है। गांव में जो मेरे डैड है वो मेरे पापा नहीं है, मेरे मामा जी है। बचपन से उन्होंने परवरिश की, पर पापा की यादों के सहारे बड़ा हुआ। समीरा, माँ बाप को अंदर से मिस करते हुए बाहर की दुनिया के लिए बस मुस्कुराते रहना क्या होता है ये मैं जानता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे हंसाया, प्यार करना सिखाया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए झूठ नहीं बोल सकता। समीरा, लव मीन्स गिविंग द अदर पर्सन द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय योर सोल, बट ट्रस्टिंग देम नॉट टू। आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। मेरा बर्थडे August 19th को है, मेरा नाम गोपी है। गोपी? इससे अच्छा नाम नहीं मिला क्या? मुझे कोई एतराज नहीं है, शादी कर सकती हो। तुम भी लियो हो ना, गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर इट्स ओके। ज्यादा मैंने तुमको है जिया, छलके छलके तुम जाम हो, लब से ये जाम पी ले रे दो, सांसों में सांसे भरने दो, जिंदगी गुजारे तुझ में ओ प्रिया। तूफान का अब न डर हमें, तुम प्रेम हो प्रिया, यू साथ सा रहना तुम मेरे, सुनो सुनो प्रिया। साथिया ना छोड़ कभी जाना तुम, साथिया यू साथ मेरे चल सदा। साथिया ना रूट कभी जाना तुम, जुदा।
साथ मेरे चल सदा। ना ही कभी जाना तुम्हें। Bye. देख लिया मैं भाग क्या गया, पहचान लेगा। अब मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। कब वन 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 टू का मतलब क्या है? बता बता इसका मतलब क्या है? बोल। जल्दी 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 इलेवन ट्वेल्व मतलब दिसंबर 11। मुझे लगता है वो इसी दिन कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने उसे दो बार नोटिस किया। Coincidences हमारे काम में नहीं होते श्याम। We have to be specific. Yes ma'am. No sir, हमारी location compromise नहीं हुई है। Yes sir, and team already sketches के साथ photo matcher run कर रही है। Traffic cameras and CCTV footages check कर रहे हैं sir. Sir, sir कल के selection के बारे में। Ma'am, selections के लिए दिल्ली से आचार्य जी आने वाले हैं। Sir, अर्जुन ने 11 December date बताई है। आज November 11 है। Route map आया? Yes ma'am. Security? हो गई। कल आचार्य जी आ रहे हैं, लेकिन इस पर investigation मत रोकना। सारी टीम को बता दो, नो थ्रेट इज टू स्मॉल। ओके सर। अर्जुन। यस सर। हमारे डाउट से हमारे क्लूज हैं, उन्हें छोड़ना मत। गुड जॉब अर्जुन। चीयर अप मैन, कल ही सिलेक्शन है। आई एम नॉट वॉचिंग यू एनी मोर। अच्छा? आई एम, आई विल ऑलवेज। कफलिंग्स बहुत अच्छे हैं डैड, आप क्यों नहीं आ रहे? अगले हफ्ते आ जाइएगा, सिलेक्शन के लिए नहीं, आपको किसी से मिलवाना है। हाय अंकल। ए चिल्लाओ मत। तू इसी से मिलवाना चाहता है ना? हाय अंकल, आई एम समीरा, गोपीज फ्रेंड। घबराइए मत, मैं अच्छी लड़की हूँ, क्वालिफिकेशन भी ठीक ठाक है। डैड वो क्या उसने तुम्हें सब बता दिया? सिर्फ फीलिंग्स बताई है। वैसे आपको कल आना पसंद नहीं है ना? ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? अगर आप आना चाहते हैं तो आप कफलिंग्स पोस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटी। कोई बात नहीं अंकल, मौका देखकर हम खुद ही आ जाएंगे। बाय। या अल्लाह कामयाबी अदा करना। या अल्लाह, या अल्लाह। समीरा मुझे ये टाई। वाह, तुम्हारे आने के बाद बाहर चलते हैं। टेम्प्ट कर रही हो? तुम इतनी आसानी से बढ़ जाओगे? ऑलरेडी पढ़ गया हूं। टाइम टू गो।
हेलो, सिलेक्शंस वहाँ हैं। दामोदर सर के लिए गिफ्ट है। ऐसा क्या? ठीक है जाओ। यू गो चेक। सर मुझे वो फाइल तक मिल जाएगी। थैंक यू। आई विल बी राइट बैक। इस बार भी लिफ्ट में देर हो गई क्या? नहीं, लुक में देर हो गई। आज त्रिनेत्रा हैदराबाद विंग में पहले सिक्स कैडेट्स की पोजीशन अनाउंस करने के लिए हमारे त्रिनेत्रा को बनाने वाले आचार्य जी आए हैं। सैल्यूट। वेलकम। डन। अटीज, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को मॉनिटर कर रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है, हमने जो सोचा था तुम लोग उस लेवल पर आए हो। लेट्स बिगिन। यस सर। लीना राजन, तुम्हें बांग्लादेश की हमारी एम्बेसी सर्विलेंस में असाइन कर रहे हैं। सर। उमा विश्वनाथ, सेम थिंग, पेज इन चाइना। यस सर। रवि वर्मा एंड किशोर कृष्णमूर्ति हमारी टेक्टिकल टीम में नादिया को सपोर्ट करेंगे। यस सर। मोहम्मद पाशा, तुम्हें हैदराबाद में त्रिनेत्रा में सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है। और जब तक मैं हैदराबाद में हूँ, मेरी सिक्योरिटी की भी। यस सर। सर। ओ ओ ओ, राइट। तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें मेडल नहीं, नंबर मिलेगा। तुम्हें कहा था ना कि अगर कोई वीकनेस नहीं हो तो। MWO 92 FS 22 caliber made in Germany. Thank you. Ready? तुम लोग जिस दुनिया में एंटर होने वाले हो वो नजर नहीं आती, और वो पूरी रोशनी में चलने वाली एक अंधेरी दुनिया है। वहां हमले होंगे, धोखा होगा, दुख होगा, अकेलापन होगा। कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं। फिर भी अगर मौत सामने आकर खड़ी हो जाए तब भी अपनी जान की चिंता न करते हुए देश को बचाने के बारे में सोचने वाले सैनिक हमारे बॉर्डर पर ही नहीं, देश के बीच होने चाहिए या देश को पार करके जाने चाहिए। सो माई डियर सोल्जर्स, दिस इज योर मोमेंट। होल्ड योर हेड्स हाई। इंडिया को हमारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। वेलकम टू त्रिनेत्र एंड कंग्रेचुलेशंस। ये धुएं से तुम्हें बचाएगा। कहाँ हो तुम? तुम्हारा रूम लॉक था। पार्किंग में हूँ, आ रही हूँ। थैंक गॉड। चलो, आने की तो बात की, हमेशा जाने की बात करती रहती हो, मुझे लगा छोड़कर चली गई। जल्दी आओ। ठीक है। हेलो सत्या। हाय दामोदर, सिलेक्शंस हो गए? हाँ, वो जो चाहता था उसने हासिल कर लिया और मुझे गिफ्ट भी दिया। But you cannot bear them. I'm more Christian than the Christians themselves. Book of Proverbs, chapter number 20, was conveyed that you should not be drunk with wine. You Muslims don't have alcohol. 11-12, matlab December 11. The Holy Spirit. Victor, come in. Heading towards Jubilee checkpost. ETA 9 minutes. Alpha, route diversion ahead. Can we go ahead? No.
टेक अ लेफ्ट, उसके बाद सिग्नल से स्ट्रेट मूव, अनप्लान्ड डायवर्शन, 2 मिनट्स डिले, टेक अ लुक एट द चेक पोस्ट। राइट टू लेफ्ट हो तो नवंबर 12, लेफ्ट टू राइट हो तो दिसंबर 11। कब? राइट टू लेफ्ट नवंबर 12, मतलब आज ही। कभी मिलने भी आओगे ऐसे ही छुपते रहोगे, साथ बैठ के पीते हैं ना। तुम तो जानते ही हो ना, सब कुछ उसकी सेफ्टी के लिए तो है। हेलो दामोदर, हेलो दामोदर, हेलो दामोदर, कैन यू हियर मी? दामोदर, दामोदर, दाम ट्रैफिक क्लियर करने के लिए क्या प्रॉब्लम है सर? Sorry for the delay. That's okay. Hey, वहाँ देखो, धुआँ आ रहा है। Charlie, come in. कार के नीचे से स्मोक निकल रहा है, जाकर देखो। हाँ बोलो अर्जुन। मोहम्मद सुनो, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट? डेट गलत थी। इट्स नॉट दिसंबर 12, इट्स नवंबर 12। गलत पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट पढ़ना था, मतलब आज ही है। फोन आचार्य जी को दो। सर अर्जुन। हेलो अर्जुन। हेलो हेलो सर, डेट गलत थी सर, यू आर नॉट सेफ सर, यू आर नॉट सेफ। हेलो
गोपी टीवी ऑन करो। अभी अभी खबर आई है कि राजधानी में केंद्र सरकार के कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। इस हमले में कुछ साधारण लोगों की भी मौत हो गई है। ये दुर्घटना टीवी पर प्रधान कार्यालय के पास दोपहर 12 बजे हुई है। सारे दृश्य सीसीटीवी कैमरा पर रिकॉर्ड हुए हैं। इन विजुअल्स को टीवी पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये एक भीड़ भाड़ वाली जगह होने के कारण मृतकों की संख्या काफी ज्यादा है। समीरा, सेंसर सर, दामोदर स्टेट, दामोदर आचार्य दोनों मर गए। क्या? उसने जो बाइक यूज की थी उसे भी आप देख सकते हैं, TS07FA0049। अर्जुन कुमार के नाम से ये बाइक रजिस्टर्ड है। वो तो मेरी बाइक है। हमले के लिए इस्तेमाल की गई गन भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने इसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। फंसाया जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही मुजरिम उनकी गिरफ्त में होगा। मेरी बात मानो गोपी,
से थोड़ी सी भी चोट नहीं आई। बोलो। ओके मैम, हमारे 10 एजेंट्स मारे गए। अर्जुन खुद के घर को ब्लास्ट करके भाग गया। ओके सर, क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को भेजिए एंड कीप इट टॉप सीक्रेट। अर्जुन नहीं मैम, उसी वक्त अर्जुन ने मुझे कॉल किया था, वार्न करने की कोशिश की थी। अर्जुन से कहिए मेरे लिए भी मिशन इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैम, आचार्य जी को नहीं बचा। आचार्य जी उसने बात करने की कोशिश तो की पर कुछ कह नहीं पाया। तुम लोग अभी अर्जुन के अपार्टमेंट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। ओके मैम। ओके मैम। इस व्हीकल में उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रेस करो जल्दी। मैम क्या पता चला? अर्जुन ने भागने के लिए इसी वैन का इस्तेमाल किया है। हमें शक है कि वो आचार्य को मारकर इसी वैन से घर आया है। और ये वीडियो ट्रैवल सिग्नल सीसीटीवी फुटेज में मिला है। इस गन पर भी अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स हैं। मैम हर तरह से यही लग रहा है कि ये अर्जुन ने किया होगा। मैम पीएम सेक्रेटरी लाइव में है। ओके सुना है वो तुम्हारा एजेंट है? यस सर। तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही है? वो किसकी तरफ है? मैम अटैक होने के एक घंटे पहले अर्जुन के अकाउंट में 2 करोड़ डिपॉजिट हुए हैं। उसी वक्त उसके फोन पर एक इनक्रिप्टेड फोन से कॉल आया था लेकिन ट्रेस नहीं हुआ। और मैम जो उसके घर में सैटेलाइट फोन था उससे ढाका और कराची तक कॉल्स गए हैं। पाकिस्तान मैम
बिना दिखे घूमना, ये सब उसे तुमने ही सिखाया है ना। अब तुम्हें क्या करना है ये मैं नहीं जानता। फाइंड हिम। ऑल राइट, कट हिज फाइनेंशियल एक्सेस। उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दो, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। नेशनल और स्टेट हाईवेज को इन्फॉर्म करो। चेक पॉइंट्स लगवाओ। साइड साइड रुक, साइड साइड गाड़ी साइड लगा। चेक गाइड पीछे जाने दो, जाने दो। एयरपोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, सारे रेलवे स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो। इंटरपोल को नोटिस भेजो। अर्जुन देश छोड़कर जाना नहीं चाहिए। मैम, अर्जुन की डिटेल्स टीवी पर दिखाएं तो? नो, ये सब सीक्रेट होना चाहिए। सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए दूध डालना ही पड़ता है। नहीं जाएगा, ऐसा पीएम ने दावा किया है। भागने से पहले अपराधी ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उसके साथ ही पहुंचे। तुलसी का पौधा है। उसे मार दिया डैड, मुझे मारते मारते उसे मार दिया। तुम्हारी बाइक ही उसकी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में दुबई से 2 करोड़ ट्रांसफर किया गया, किसने किया ये तो नहीं पता, पर टारगेट तो ही है कोबी। बट व्हाई मी डैड? कल परसों तो त्रिनेत्र ज्वाइन किया है, आचार्य दामोदर को मारने के लिए मुझे क्यों फंसाएंगे? और अगर फंसाना चाहते थे तो मुझे मारने की कोशिश क्यों की? That's how they operate. पहले उन दोनों को मारा और उन्हें मारने वाले तुम हो, ये जानने के बाद त्रिनेत्र तुम्हें ढूंढेगा। उसके बाद अगर वो लोग तुम्हें मार दें तो जिंदगी भर त्रिनेत्र तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। आचार्य के बारे में पहले से पता था, इसका मतलब जरूर त्रिनेत्र में उनका कोई आदमी होगा, या फिर त्रिनेत्र के किसी आदमी ने यह किया होगा। मिनिस्टर से क्लीयरेंस मिल गया है ना? कहो कि केस सीबीआई हैंडल कर रहा है। मैम, यहाँ सबको कह रहे हैं हम सीबीआई हैं। पुलिस से कहो इनका डेमिनेट ना करें। यस मैम। मैम, अटैक से पहले दामोदर सर को एक कॉल आया था और उसी नंबर से अर्जुन को भी कॉल आया था। इनक्रिप्टेड नंबर है मैम, ट्रेस करने पर बाउंस हो रहा है। अर्जुन का फोन और उसकी गन ले जाकर मेरे ऑफिस में रख दो। यस मैम। मैम फोन। मैम, अर्जुन राजमंड्री में है, टीवी पर दिखाया जा रहा है। इसी वक्त वहाँ किसी को भेजो। ऑलरेडी ऑन द वे मैम। एयरपोर्ट चलो। मीडिया हमारा काम हमसे बेहतर तरीके से कर रहा है। राजमंड्री पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ओके मैम। जनाब, गोपी राजमंड्री में है। उनमें से एक के पास ये फोन था। ट्राई द कोड 1112 2111। पासवर्ड इनकरेक्ट, थंब इंप्रेशन चाहिए। न्यू मैसेज, कंटेंट हिडन, फिंगरप्रिंट चाहिए।
इसे कहीं देखा है नहीं क्या? देखा। इसे देखा है? हाँ अभी देखा था, हमारे मूर्ति के ऑटो में बैठकर अभी। फोन लगाओ। ए मूर्ति कहाँ है तू? थंब इम्प्रेशन चाहिए। कौन सा हाथ चाहिए? हो गया, yes. यही है ना? जी हाँ सर, यहीं पर आता रहता है। आर्थर कॉटन नर्सरी, एयर इंडिया से मैसेज। फ्लाइट इज फ्रॉम वाइजैक टू चिटागोंग वाया कोलकाता, बांग्लादेश। यहां दो नाम है, आर अली एंड एस शेख। तू इन्हें जानता है? फ्लाइट निकलने के लिए सिर्फ 3 घंटे। गोपी, टाइम टू गो, कम ऑन। इनक्रिप्टेड फोन, इससे ही फोन करना। थैंक्स डैड, बी केयरफुल। चाचा, इसे कहीं देखा है क्या? कहाँ? इधर, चलो। शर्ट कैसे मिली? वो 100 रुपए में मुझे देकर गया। ये वाला अच्छा है, कितने का है? 200 रुपया। 200 रुपए? पुलिस को भी इतना रेट बताएगा तू? आप लोग तो हमारे माई बाप है सर। आ गया सही रास्ते पर। हे, वो आज मेरी बीवी का बर्थडे है सर। आज? हाँ। इनकी बीवी से तुम्हें क्या लेना देना? जी सर। तो ये है आपका इन्वेस्टिगेशन? हाँ सॉरी सर। चलो। कौन है ये? इंटेलिजेंस ब्यूरो से है। राजमंड्री में पुलिस को। मैम, शाम का फोन आया था, अर्जुन राजमंड्री से भाग गया। व्हाट? खामखा बिगड़ती हो यार, तुम्हारे बर्थडे पे बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। अरे मुझे हाँ फ्लाइट उड़ानी भाई, अब गुस्सा मत करो। चलो गुस्सा दूर।
हेलो, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट 231 में एक बॉम्ब है। व्हाट? 30 मिनट्स। हेलो, request all the passengers to proceed back to boarding area. We regret for the inconvenience caused. तुम्हारे डैड हैं? कुछ अच्छे कपड़े हैं क्या? Sorry, technical problem है. I'll call you back. मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ. तेरा प्लान क्या है? बताओ। साइनाइड? नहीं, नहीं। Just a minute. कौन है ये? अजीब पागल हो गए। Yeah. ए तुम, सुनो कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको। सिक्योरिटी पकड़ो उसे। कैच है। रुक जाओ। उतर से। चलो मेरे साथ। गोपी, उसका ईमेल एड्रेस बताओ। samirashekh.dr@gmail.com। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द लास्ट नेम? शेख। शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पैदा हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता या कोलकाता? वो कलकत्ता कहती थी। नो रॉन्ग। और दुबई ट्राई कर सकते हैं। कोलकाता ट्राई कीजिए। कोलकाता? नो, वन मोर चांस, थोड़ा सोच कर बताओ। चिटागोंग। आई श्योर? या। गॉट इट। गुड 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 गुड। गोपी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। दे आउट गोइंग, गुस्सा जल्दी आता है। कौन है वो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो कर सकती हूँ। तुम भी लियो हो ना? गुस्सा जल्दी आता होगा, but it's okay. लियो। Yes. Yes, I mean. गोपी, इनबॉक्स में कुछ नहीं है। आउटबॉक्स में 10 मेल है, ओपन करने पर ऑल आर एम्प्टी, खाली है। जो भेजा है उसमें कुछ तो लिखा होगा। जिसमें भेजा वही खाली है। There's nothing in it. कुछ हुआ नहीं? 116 खाली है या सिर्फ खाली नजर आ रहा है? मतलब? एक बार मेल को हाईलाइट कीजिए। गोपी, फाइल अपलोडेड, ऐसा व्हाइट में लिखा है।
बट खाली है एम्प्टी, देयर इज नथिंग इन इट। फाइल कहीं अपलोड की है ना? गूगल ड्राइव चेक कीजिए। गॉट इट, ऑडियो फाइल्स अपलोड की है। आज ही गोपी से मिली थी, उसके बगल वाला अपार्टमेंट ले लिया है, उसे मुझ पर शक नहीं हुआ। नाम अर्जुन बताया था, आपका नाम? अर्जुन, सामने वाला फ्लैट। आज गोपी से बर्थडे सरप्राइज के नाम पर दोबारा मिली थी, मैं उसे पसंद आई। टाइम देकर सैटेलाइट फोन उसकी किचन में छिपा दिया। इट्स डन। प्लान क्या है? गॉट योर मैसेज, सॉरी फॉर द डिले। उसके करीब आने के लिए वक्त लगेगा, कारण गोपी ही है, वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम इतनी आसानी से पड़ जाओगे? आपने मुझे गोपी को मैनिपुलेट करने भेजा था। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैजिशियन नहीं हूँ। वक्त लगेगा। टेलमैन के सामने ऑलमोस्ट कबीर को देख लिया, मैंने ही डिस्ट्रैक्ट किया था। अर्जुन, आई हैव हिज बैंक डिटेल्स। अर्जुन कुमार, बैंक अकाउंट नंबर 5010296496। आई रिपीट, 2 करोड़ दुबई से ट्रांसफर किया है। प्लान वर्कआउट हो रहा है, गोपी मुझे पसंद करने लगा है। दामोदर को जो बॉटल दी थी वो उसी ने लाई थी। गोपी, तुमने कहा था सर को कोई गिफ्ट देना है। I'm sorry, गोपी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें मैनिपुलेट क्यों किया। मैनिपुलेट नहीं, धोखा दिया है। अगर पता करना है कि क्यों धोखा दिया है तो जिसने धोखा दिया है उसे ढूंढना होगा। जब तक वो मिल नहीं जाता उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए पूरी जिंदगी लग जाए, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। Next. রয় ডেপুটি জেনারেল এবং 15 জন সাধারণ নাগরিকের হত্যাকাণ্ডে মিস্টার অর্জুন কুমারকে মূল অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি তাকে ভাইজাক বিমানবন্দরে শনাক্ত করা হয়েছে। ইনি কাস্টম অফিসারের নেক্সট অবস্থায় শ্রীলঙ্কা অথবা চিটাগাং পলায়ন করেছেন বলে অনুমান করা হয়েছে। সিসিটিভিতে পুরো বিষয়টি ধরা পড়ে। আপনার নাম কি? আহমেদ চৌধুরী। আচ্ছা আহমেদ চৌধুরী, थोड़ा तारातारी करो ना, अभी अभी शादी हुई है, घर में बीवी इंतजार कर रही है। बंगाली म्यूजिक पसंद है ना? ओके,
जब मुझे बांग्लादेश भेजा था मैंने सोचा यहाँ कुछ नहीं होगा। सडनली इंडिया मोस्ट वॉन्टेड मैन यहाँ आकर टपक गया। बहुत एक्साइटिंग है ना लीना। अरे कितने प्यार से पुकारा बॉस। प्लीज ट्राई कर रही हूँ बॉस। गियर यहाँ है। नादिया मैम। लीना चिट्टागोंग पोर्ट से इंफॉर्मेशन मिली है अर्जुन वही है। इमीडिएटली ट्रेस करो। ओके मैम। एंड लीना जरूरत पड़े तो मार दो। वैसे अभी मदद तुम्हारी कर रही हूँ या फिर मिशन की कर रही हूँ? प्रपोज किया था तो पूछा था बचाओगी या फिर मिशन सक्सेसफुल करोगी। अब तुम्हें बचाऊं या नादिया मिशन सक्सेसफुल करो? तो क्या करोगी? देना उसे उतार दे। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। समीरा शेख नहीं है कौन ये? पता नहीं। हाँ। 6 महीने पहले लिया था। 3 दिन पहले बोलता है कि नहीं चाहिए। अरे उसे नीचे अच्छा, उतारना। आपके पास उनका नंबर है? अरे पिछले 3 दिन में बहुत सारे इनकमिंग कॉल आए थे। अगर उनका नंबर मिले या कॉल आए तो बोल देना फातिमा आई थी समीरा से। हाँ ठीक है बता दूंगा। मैं वही हूँ कल सुबह तक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अरे उसको नीचे उतारना। जली हुई चीज की कितनी फोटो लेंगे सर? लो इसमें तो रुई भरी हुई है ना सर। रुई भरी है? ये रुई नहीं है, सूट में लगने वाला कफलिंग्स है। कड़िया पुलंका राजमंडरी। उसे मारा था सर, पकड़ने वाला था भाग गया। आईडी कार्ड्स? सच में मारा था सर, आईडी लेकर भाग गया। और कपड़े? उसे मारा था सर लेकिन वो कपड़े भी लेकर भाग गया। देखो तुमने जिसे मारा वो आदमी कोई और होगा, क्योंकि मारने पर कैसे मरना है इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग ली है। वो तुम्हारे सामने से 5 लोगों को मार के भाग गया। कितनी देर था वो तुम्हारे साथ? मैंने नहीं मारा सर, उसी ने मुझे मारकर मेरे कपड़े आईडी। या गोक्स बोलो। सर राजमंडरी के एड्रेस के साथ। क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्हें पहचानते हैं आप? इन्हें कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वो सामने क्लिनिक है ना? हाँ। इनको कभी वहाँ देखा है क्या? नहीं कभी नहीं देखा। कोई आई है। थोड़ी देर में मैं खुद को मारने ही वाली थी। सॉरी पता नहीं था, बुरा मत मानना। अरे आऊंगा आऊंगा। We'll be right back.
एक्सक्यूज मी, 12 नवंबर से एक हफ्ते पहले की फुटेज देखनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे समंता को देखना है, क्या करूं? शादी हो गई है ना, कोई पोस्ट हो तो बताइए, मुझे भेज देंगे। स्पीड पोस्ट। देखा ना, नो फायर क्रैकर्स, नो पावर बैंक्स, फटने वाली चीज कोई हो तो आप। ये धमाका करती है। नेक्स्ट। स्टॉप। जूम करो इसे, जूम करो जल्दी, इसे पकड़ो, हटो, इसे रिवाइंड करो, फिर से जूम करो, स्टॉप। उसी घर में गया। चलो जल्दी। वो लोग जा रहे हैं, मैं चलता हूं। मैं भी आऊंगी। नहीं, कवर मी, मुझे उनकी पोजीशन बताओ। अर्जुन, बेसमेंट में जा रहा हूं।
मेरा नाम लिखा है अरबिक में, मिशन गोपी। लीना, कैन यू हियर मी? लीना, अर्जुन वो आ गए, वो आ गए, कम इन। अर्जुन कम इन, वो घर में घुस गए। अर्जुन 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 कम इन, अर्जुन 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 कैन यू हियर मी? अर्जुन वो घर के अंदर आ गए। अर्जुन बाहर पहुंच गई। अर्जुन अर्जुन कम इन, डू यू हियर मी? सबको मार दिया भाई। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बोल, बता दे वरना जान से मार दूंगा तुझे। बोल, बैंक से भास्कर बोल रहा हूँ। लॉकर देखने के लिए कब आ रहे हैं सर? आप आईटी डिपार्टमेंट वाले लोग आएंगे तो हम बैंक वाले कैसे रोक सकते हैं? क्या हुआ सर का ब्लैक मनी केस है, सरकार ने पकड़ लिया? तुम टीवी नहीं देखते? कहाँ मैडम, घर जाते ही कसौटी, सास बहू, इस बीच आपका ही तो डोमिनेशन है ना। जब अर्जुन कुमार के बैंक अकाउंट को गवर्नमेंट ने सीज किया तब लॉकर के बारे में क्यों नहीं बताया? अर्जुन कुमार वो कौन है मैम? ये गोपी सर का है। आपसे नहीं कह रही थी। ओह ब्लूटूथ, आई नो। सो व्हाट्सएप? नो, व्हाई सो सीरियस? ओ दादा, हाँ? केमन आचे? आपने की जान? VHS और DVD प्लेयर चाहिए। वो वाली पिक्चर देखनी है क्या? क्या? 3X फिल्म देखनी है? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ VHS और DVD प्लेयर चाहिए। DVD, VHS, जो चाहो देख लो। गंदा मत करना। अल-मुजाहिदीन और हमें रास्ता दिखाने वाले हमारे राणा, दोनों का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की बर्बादी। 33 साल पहले शुरू हुई ये जंग अब भी जारी है। हमारे जिहादी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तुम्हारे जैसे नए रिक्रूट्स को ट्रेन करके हिंदुस्तान में शामिल कर रहे हैं। आज इंडिया मिट जाएगा और कल तीनों मुल्कों को मिलाकर एक मुल्क बना दिया जाएगा। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर।
पाकिस्तान ने हमारे पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटकर बांग्लादेश को बनाया, तभी हमने ठान लिया कि हिंदुस्तान को अंदर से मिटाना है। हमें बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान को मिटाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को अंदर से मिटाना है। बेटा तुम्हें क्या पसंद है? बंदूक। सलमा तुम्हें क्या पसंद है? खेलना। सलमा तुम्हें क्या पसंद है? बंदूक। हिंदुस्तान एक काफिरों का मुल्क है, उन्हीं काफिरों से हमें बचाना है। ये है एक ऐसा जिहादी जिसने बचपन से हमसे सच सीख लिया और आज हमारा सबसे मशहूर ट्रेनर है। हमारा हिंदुस्तान। राणा बोलो गोपी। गोपी क्या हुआ? अपने पापा के बारे में झूठ क्यों कहा? गोपी डैड सच क्या है? अब अरे नहीं गोपी, सच क्या है? तुम्हारे पापा और मैं दोस्त थे, आर्मी में मिले थे, एक ही रेजिमेंट 4th बटालियन, ग्रेट बॉन्ड, वंडरफुल फ्रेंड्स। बाद में दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई। मैंने त्रिनेत्र में रघुवीर को आसाम ब्रांच में रिक्रूट किया। उसके बाद मुझे मेरे कलीग विजय के साथ देहरादून में असाइन कर दिया गया। बेटा बचपन से ही तुम्हारी माँ नहीं थी, बिन माँ के बच्चे को मैं और तुम्हारे पापा ने दिल्ली हाउस पे रखा और हर महीने तुझे देखने के लिए तुम्हारे पापा आते थे। पापा, तुमने पापा को आखिरी बार तभी देखा था, सुबह सिक्किम ऑफिस से मैसेज आया, पता चला कि कोई एक साल से एजेंसी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। नहीं, उसकी तहकीकात करने मैं और मेरा कलीग विजय सिक्किम गए थे। दो लोग हैं, रघुवीर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में है सत्या, वो उन्हें दे देगा। लेट मी सी। वो दे रहा है, वो दे रहा है। कीप फायरिंग, दे आर गोइंग राइट, कीप फायरिंग, keep firing. Satya, are you okay? Go get the documents, get the documents. Vijay, check them, check them. Vijay, क्यों किया? पैसों के लिए रघुवीर,
ये मेरा नाम नहीं है, न ही ये मेरा देश है। रघुवीर को अल मुजाहिदीन ने मार दिया सर, उसकी बॉडी पानी में बह गई। रघुवीर को इसलिए नहीं मारा था कि वो तुम्हारे पापा है, वो एक आतंकवादी था। अल मुजाहिदीन यही तुम्हारे पापा की पहचान है, उन्हीं के साथ वो बड़ा हुआ था। फायर करो। उनके लिए ही मारा था। उस आतंकवादी के पीछे के लोग तुम्हारे लिए आएंगे इसका मुझे डर था, इसीलिए तुम्हारे पापा के दिए हुए नाम को मारकर तुम्हें मैंने बचा लिया। मेरा गोपी एक आतंकवादी का बेटा है, ये किसी को पता ना चले इसीलिए सरकार को भी नहीं बताया। रघुवीर आतंकवादी बनने वाला सोल्जर नहीं, सोल्जर का नाटक करने वाला आतंकवादी था, इसीलिए मार दिया। I killed him। ये सच तू कैसे सुन पाता मेरे बच्चे? जिंदा है वो, अब भी जिंदा है वो। What? Dad, क्या हुआ? Dad, राजू, तेरे सामने ही हूं। डैड कहां है? मैं यही तेरे सामने हूं। थोड़ी देर में निकल जाएंगे, यहां से मुंबई बाय रोड, वहां से बोट में कराची। अब बांग्लादेश वैसे भी नहीं जा सकते, वहां सब कुछ ओपन करके रख दिया ना, करना भी चाहिए था। तो मेरा बेटा जो है इसीलिए मुझे मारना चाहते हो? मारना चाहता हूं? तेरे मरने के दुख में 20 साल तक जिया हूं। जानता है कैसे पता चला कि तू जिंदा है? तेरा एप्लीकेशन, उसमें तूने गर्व से लिखा कि तू मेरा बेटा है, कंफर्म कर लिया कि तू मेरा गोपी है। यस, त्रिनेत्र में भी मेरे आदमी मौजूद हैं। जानता था बुलाने पर नहीं आओगे, पूछने पर नहीं रहोगे और बताने पर नहीं मानोगे। 20 सालों तक तुमने जो कुछ सीखा वो कहां जाएगा? देश, आर्मी, तिरंगा, त्रिनेत्र। प्यार से तुम्हारे पास आने पर
पापा को मार डालने की सोचते हैं ये लोग असत्य। ऊपर से मुझे टेररिस्ट का नाम दे दिया। जो भी है तू मेरा बेटा है, नहीं छोड़ पाया। जब तूने त्रिनेत्र ज्वाइन किया मैंने प्लान बनाना शुरू किया। वन शॉट दामोदर और आचार्य को मारकर उन्हें यकीन दिलाया कि यह तुम्हारा काम है। उसके बाद तू सच बताएगा तो भी वो नहीं मानेंगे। तुझे मारे बिना नहीं रहेंगे। बात करने के लिए इंसान नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं, छुपने के लिए जगह नहीं, जीने का चांस नहीं रहेगा। तब सोचा तुझे अपने पास बुला लूं तो जीने के लिए मान जाओगे। उसके बाद बाप हूं इसलिए मान जाओगे। पहले झगड़ा करोगे उसके बाद मेरे साथ आ जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। बेटे को पाने के लिए बाप को इतना प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिया इस देश ने। काफिरों का मुल्क है ये। माय बिगेस्ट वेपन समीरा, वन ऑफ आवर बेस्ट सोल्जर्स, तुम्हारे करीब आकर तुम्हें इन्फ्लुएंस करके तुम्हारे बारे में सत्य के बारे में पता करने को कहा। मेहनत की उसने पर सुना कि तुम आसानी से नहीं मानते। अटैक वाले दिन समीरा को एक सरप्राइज दिया। तुम्हें ये इंजेक्ट करने को कहा। अभी उसके रिएक्शन पर थोड़ा शक हुआ, बाद में सोचने पर समझ में आ गया सत्य के नहीं आने का कारण वही है। आप यहाँ आना नहीं चाहते ना? मौका देकर हम आ जाएंगे। अगर मेरी बात मानी होती तो दामोदर आचार्य की तरह सत्य भी उसी दिन मर जाता, तू वही गिर जाता, आंखें खोलने से पहले बांग्लादेश में मेरे सामने रहता। सोचा था काम कर रही है वो, बर्बादी करेगी, ये नहीं सोचा। ऊपर आने के बाद इंजेक्शन उसके हाथ में नहीं था, लेकिन समीरा नहीं जानती थी कि हम देख रहे थे, उससे एक कदम आगे थे। सो प्लान बी। उसे भेजा था ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं, पर उसने खुद तुम्हारे करीब आकर मुझे तुमसे दूर कर दिया। उसके बाद तुझे जानना था कि ये सब किसने किया, तो कब मेरे करीब आएगा ये सोचकर मैंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। और कुछ? डैड, एनी लास्ट वर्ड्स? हम दोबारा वैसे ही मिले हैं तो उसका बाप हो सकता है, लेकिन वो मेरा बेटा है। खून तेरा है लेकिन परवरिश मेरी है रघुवीर। राणा, मेरा नाम राणा है। राणा, तूने सही सुना, मैं इतनी आसानी से नहीं मानता। मेरा भी प्लान बी है। त्रिनेत्र इज ऑलवेज वॉचिंग। Oh!
मेरे साथ चलोगे? सरेंडर राणा। तू राणा कह रहा है फिर भी मुझे पापा सुनाई दे रहा है। तेरे और मेरे बीच फर्क नहीं है, मैंने भी गन पकड़ी है, तेरे हाथ में भी गन ही है। तू त्रिनेत्र का जासूस है, मैं अल मुजाहिदीन का जासूस हूं। जब तू गलत नहीं है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? सरेंडर क्यों करूं? तू जिस देश को धोखा दे रहा है ना, मैं उसी देश की रक्षा कर रहा हूं। तो फिर अपने बाप को ही मार दोगे? मारूंगा तभी मानोगे क्या? बीस सालों तक जो बेटा मुझसे दूर था, जब आंखों के सामने होगा तो कैसे सोच लिया उसे लेकर जाए बिना रहूंगा? तो मेरे लिए नहीं आएगा तो इसके लिए तो आएगा ना? नहीं, वो देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है, मेरी जान जाएगी तो भी नहीं आएगा। कॉफी चल चलते हैं। इतना सब देखने के बाद तुम्हारे साथ कैसे आऊं? तू मेरा खून है। सहारे जीता रहा हूं आज तक। भरोसा मत करना, ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? 20 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की इसने, तुझे भरोसा दिलाया कि मैं मर गया हूँ, तू मर गया ऐसा मुझे बताया, अभी भी बाप बेटे को अलग करना चाहता है। इमोशनल ब्लैकमेल ये कर रहा है या मैं? नहीं गोपी, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, न ये चाहिए न ये देश चाहिए, तिरंगा त्रिनेत्र कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। पापा जैसा बनना है तो क्या करेगा? तुझे ये चाहिए या मैं? पापा मेरी हिम्मत है सर। तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? जब तक पापा नाम की कमजोरी को पार नहीं करोगे तब तक देश नहीं बचा पाओगे। गोपी, तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? मेरा देश चाहिए।
तुम घर वापस आ गए। वैसे मुझे एक बात बताओ, त्रिनेत्र को कैसे पता चला कि तुम कहां पर हो? नादिया को भरोसा था कि मैं निर्दोष हूं। वाइजैग में पासपोर्ट और ग्लासेस का इंतजाम उन्होंने किया। त्रिनेत्र को बिना बताए मेरी मदद की। We need to help Gopi. Yes, ma'am. Go. अटैक से पहले मैंने फोन किया था, ये मोहम्मद ने मरने से पहले नादिया को बता दिया। मेरे नंबर और दामोदर सर के नंबर पर एक ही नंबर से कॉल आने के बाद नादिया समझ गई कि वो सत्या ही हो सकता है। हेलो सत्या, त्रिनेत्र में उसका कोई आदमी है। उसी इंसान ने मैंने एप्लीकेशन में जो लिखा वो राणा को बता दिया। वो कौन था शाम? इसे ऐसी दोगे क्या? लाओ मैं पैक करता हूँ। उस दिन दामोदर सर को विस्की तूने दी थी। सत्या को ढूंढते हुए राजमंड्री पोस्ट ऑफिस तू गया था। राणा को सत्या कहाँ है ये तूने बताया था। आखिर में समीरा का बैकग्राउंड चेक भी तूने सेट किया था। What are you? बैकग्राउंड फिक्स समीरा ने किया, सब कुछ सेट समीरा ने ही किया। Can't believe you're falling for this shit. बांग्लादेश में वीडियो देखा था शाम। शाम बेटा तुम्हें क्या पसंद है? कंप्यूटर। तब राणा, अब तुम। अभी? हाँ अभी। कोई फर्क नहीं है। आई एम वॉचिंग यू श्याम। समीरास लेटर तुम्हारे बैंक लॉकर में मिला। डियर गोपी, मैं भी तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हूं। सच बताऊं या नहीं डर गई थी, लेकिन अब समझ आया कि मेरी जान से हमारा प्यार महान है। सोच रही थी कि कैसे बताऊं, तब तुमने जो किया वो याद आया। सो ये मेरा लेटर है। आई लव यू, समीरा शेख। तुम्हें ऑफिशियली अपोलॉजी देंगे। पहले मुझे टेररिस्ट कहा, अब सॉरी कहेंगे। ऐसा ही समझ लो, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। आचार्य जी की बातें याद है ना? तुम लोग जिस दुनिया में एंटर होने वाले हो वो नजर नहीं आती, और वो पूरी रोशनी में चलने वाली एक अंधेरी दुनिया है। वहां हमले होंगे, धोखा होगा, दुख होगा, अकेलापन होगा। कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं। फिर भी अगर मौत सामने आकर खड़ी हो जाए, तब भी अपनी जान की चिंता न करते हुए देश को बचाने के बारे में सोचने वाले सैनिक हमारे बॉर्डर पर ही नहीं, देश के बीच होने चाहिए या देश को पार करके जाने चाहिए। वेलकम बैक एजेंट गोपी। One one six reporting for duty.